पलवल से बड़ी खबर है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल के काफिले की चपेट में आया बच्चा, और काफिले की चपेट में आने से 7 साल के मासूम की जान गई है। तो जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल पलवल जा रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे 19 पर यह हादसा हुआ। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या इस मामले की आपको जानकारी है अभी तक कि आपके काफिले की गाड़ी की चपेट में आने से 1-7 साल की मासूम की जान गई है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन हम तो मीटिंग के बाद किसानों से मिले, उसके बाद शुगर मिल में रहा हूँ 1-1.5 घंटे, ऐसा कुछ हमारे नॉलेज में था जी। बनवारी लाल जी, कोई आप कहीं आश्वासन देंगे किसी तरह का, क्योंकि बच्चे के परिजनों के आरोप ये हैं कि आपकी जो गाड़ी है काफिले की उसकी चपेट में आने से बच्चे की जान गई है, कोई जांच करवाएंगे आप? ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो पूछेंगे, मैं प्रशासन से बात करूंगा। अभी आपने बताई, मेरे को तो नहीं इस बारे में जी। तो आप मामले की जांच करवाएंगे बनवारी लाल जी? आप पूछेंगे क्या मामला है, बात करेंगे प्रशासन से भी, ऐसे कैसे जी। तो हमारे काफिले से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ठीक है, आरोप ये लगाए गए कि आपके काफिले की गाड़ी थी और बहुत तेज स्पीड से आ रही थी, जिसकी चपेट में 7 साल का मासूम आया, उपचार के दौरान जान गई है। ऐसा कुछ नहीं है सर। क्या उनके परिजनों से किसी तरह की बातचीत करेंगे आप? कुछ भी, अब जब है ही नहीं, कोई मामला ही नहीं है, तो क्या बात करूंगा जी। बनवारी लाल जी, अगर आप समय दें तो जिस बच्चे की जान गई है उसकी माँ की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो हम सुनवा देते हैं आपको, सुनिएगा जरूर। बनवारी लाल जी, सुना आपने, ये रोती बिलखती माँ है पलवल का ही मामला के, चूंकि आप भी गए थे मीटिंग के लिए और अभी आरोप लगा रखे हैं कि बहुत तेज स्पीड से गाड़ी आई काफिले की और ब्रेक नहीं लगाए गए। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हम पूछेंगे प्रशासन से क्या मामला है, हमारी गाड़ी से अगर होता तो क्या हम रुकते नहीं जी। तो कोई जांच का आश्वासन आप देंगे खबरें अभी तक पर? हाँ, पूछेंगे, अधिकारियों से बात करूंगा ना, उसके बाद भाई क्या मामला है इसकी जांच तो करेगी क्या मामला है जी। जो आरोप लगाए जा रखे हैं बनवारी लाल जी, अगर किसी तरह की सच्चाई उनमें पाई जाती है तो कोई कार्रवाई होगी इस मामले में? जरूर 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 होगी। जो परिजन हैं बच्चे के, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई सांत्वना आपकी ओर से? नहीं भाई, उनके साथ अगर इस तरह का कोई हादसा हुआ तो उसकी मदद करेंगे पूरी हम। चले, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमारे साथ जुड़े। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल हालांकि शुरुआती तौर पर तो खारिज कर रखे हैं इस बात को कि उनके काफिले की गाड़ी थी और गाड़ी की चपेट में बच्चा आया जिसकी जान गई है। हालांकि ये जरूर कहा गया कि प्रशासन को मामले की जांच के लिए कहा जाएगा, अगर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें हकीकत मिलती है, अगर आरोप सच साबित होते हैं तो मामले की जांच के बाद मामले में कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया कि वो परिजनों के साथ है, यानी कुल मिलाकर सहानुभूति जो है, सांत्वना जो है, वो जरूर दी गई है बच्चे के परिजनों के। चले, खबर पर पूरी जानकारी के साथ फिलहाल कमल कौशिक मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कमल, लगातार इस बात का इंतजार था कि कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल क्या कुछ बोलते हैं, अब हमारे साथ वो फोनलाइन पर जुड़े। खबरें अभी तक पर उनकी ओर से कहा गया है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है, उनके काफिले की गाड़ी से बच्चा नहीं टकराया। बिल्कुल, जो उम्मीद खबरें तक ने की थी वही हुआ, मंत्री जी का खुद फोन आया, खबरें अभी तक ने उनसे बातचीत की, जो थी आपने सवाल किए हैं, और अभी तक जो खबर में जो चीज सामने आई है निकलकर वो यही है कि मंत्री जी कह रहे हैं उनकी काफिला नहीं था, आपने भी जानकारी दी है, और ऐसे में पुलिस पर भी सवाल निशान लगता है कि आखिरकार इसमें अभी तक क्या पुलिस को उस गाड़ी का नंबर भी नहीं मिल पाया, कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई है उस सड़क से, और जबकि जो परिजन है मृतक बच्चे के वो क्यों इतने गंभीर आरोप लगाएंगे कि जो काफिला था वो मंत्री का ही काफिला था, और उसके बाद मंत्री जी फोन लगभग काफी देर तक नहीं उठाते हैं, फिर खुद मंत्री जी का फोन आता है। हालांकि जांच का विषय, हम दोषी मंत्री को नहीं उठा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल नहीं गाड़ी चला रहे थे हम मानते हैं, और ये भी अच्छी बात है कि उम्मीद के मुताबिक उनका फोन भी आया है और उन्होंने कहा है कि वो मदद करेंगे जो भी मृतक। अभी खबरें अभी तक पर उनकी ओर से कहा गया कि मामले की जांच करवाएंगे, प्रशासन मामले की जांच करेगा, लेकिन पुलिस जो है अभी तक लीपापोती कर रखी है मामले की, क्या उम्मीद की जाए?